अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। मुझसे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उधर मिल जाएंगे, मुझ पे बने जितने भी मीम्स हैं वो भी आपको उधर मिल जाएंगे। आप उधर मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, डीएम में चैट भी कर सकते हो। तो ये रही आईडी, फटाफट फॉलो जरूर कर लो, बस कर लो यार प्लीज़। वैसे मेन मकसद फॉलो करवाने का ये है कि 10,000 फॉलोअर्स के बाद ना इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप वाला फीचर मिलता है जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कर लो यार प्लीज़। दोस्तों सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं। फिर से हो गया है मतलब इंडियन ड्रामा होता है ना, इंडियन ड्रामा जो चलता जाता है मतलब खत्म ही नहीं होता। तो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, या नहीं बदला है, फिर से हो गया झगड़ा स्वामी ट्रीज डकी भाई में। डकी भाई का जो वीडियो था उस पर मैंने रिएक्शन दिया है, उस पर जो मेरा ओपिनियन था अच्छा खासा ओपिनियन दिया यार, तो जाके देख लो डकी भाई वाली वीडियो को। और ओपिनियन समो भाई भी दे रहे हैं, क्या कुछ खास बोल रहे हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी पे है आवेगा। Beyond Record has just released Dear Future Wife by Arbaaz Khan, so go and check it out. Hello friends and fans, this is Asmo speaking. सबसे पहले मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जाओ टक्की भाई की लेटेस्ट वीडियो देख के आओ, वरना तुम ऐसे चूचियों की तरह बैठे होगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। आज हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे टक्की शाम की इस चलती हुई जंग पे। आज समो एज अ रोस्टर नहीं बल्कि एज एन इन्फ्लुएंसर बात करेगा। माना पलूट यानी कि मैनिपुलेशन करके लोगों की मोहब्बत हासिल करने की इस नाकाम कोशिश में एक दफा फिर शाम भाई अपनी दे चुके हैं, अपनी पेश कर चुके हैं, तेल लगा के डकी को बुला चुके हैं, इन शॉर्ट अपनी धोती और इज्जत उतरवा चुके हैं। मैं एक फुफ्फो की तरह जलती आग पर फेंकने नहीं आया, बल्कि मैं ये देखने आया हूँ कि ये आग लगी कैसे और इस आग से किस किस का नुकसान हो रहा है। हाँ, मेरा तरीका थोड़ा ऐसा है, थोड़ा बुड मारने वाला, बट कुछ दिन पहले शाम इद्रीस अपनी खोई हुई इज्जत हासिल करने के लिए पाकिस्तान वापस आया है। समझ गया, वीडियो तो यही खत्म होनी चाहिए, मतलब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन करने की इस नाकाम कोशिश में सबसे पहले इसका हाथ थमाया शामीर अब्बास ने। हाथ थमाने के बाद शाम इद्रीस के लटकते मसानों का वजन उठाने की जिम्मेदारी भी इसी टेस्टिकल मैन ने ले ली। वैसे तो इस बेसुरी बांसुरी पे पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, खैर देखते हैं। तो खैर, दे स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग। अगर आप टेक्निकली भी देखो तो देयर इज शाम इनसाइड शामीर। क्या बात बोली है। देखो एक बात तो क्लियर है कि शामीर जैसे बंदे होते हैं जो एक बिरयानी के प्लेट पे वोट देकर आ जाते हैं। एक साल पहले यही बंदा शाम को फेक कह रहा था, अब पता नहीं पल भर में ऐसा परसेप्शन बदल गया है कि शाम के अखरोटों के साए तले पता नहीं कौन सा फेज हासिल कर रहा है। पर खैर चलो, उनकी मर्जी है, उनके चैनल है, व्यूअर्स को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, मकसद पूरा हो रहा, खत्म है, ठीक है, जाओ। बट डक्की भाई को कॉल करके, उसकी आवाज रिकॉर्ड करके, उसकी पूरी वीडियो बना के एडिट करके, बेसिकली लोगों को मैनिपुलेट करके अपलोड करके ये बताना कि डक्की भाई और शाम की तो दोस्ती हो गई, नाउ दैट्स नॉट फेयर। ना 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 बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि ये सब हुआ विदाउट डक्की भाई परमिशन। यार मैं किसी को फोन करूं और उधर से वो रिकॉर्ड कर रहा और वो अपलोड कर दे, मैं तो उसकी मैया। इस बंदे ने दुश्मन से गले लग के पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की है, अब ये हरकत भाई साहब को बहुत महंगी पड़ गई। भाई एक बंदा तुम्हारी नहीं लेना चाहता, उसका हाथ पकड़ के अपनी डोई पे क्यों मल रहे हो? एक बार समझिए अतिक भाई, अगर डक्की भाई जैसे बंदे को चप्पा कराओ तो वो पूरे घुस जाता है। चलो ये वीडियो बनाना भी एक तरफ के, अब डक्की भाई और मैं दोस्त बन गए हैं, अब आज से हम एक दूसरे के झांटे साफ करेंगे। असल जिंदगी में डक्की भाई ने इससे दोस्ती करने का कोई इजहार नहीं किया, तो ये बंदा तो उसके घर तक पहुंच गया लिटरली नहीं, पर सटल तरीके से एक मैसेज में डक्की भाई की पूरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दिखाई, यानी कि ये शो कराने की कोशिश की गई, बट्टा मैं सब जानता हूँ, जो मैं अपने छिरे का शेरलॉक हूँ। तुम गिरे हुए हो, तुम बहुत गिरे हो, तुम बहुत ज्यादा गिरे हो, तुम पाताल तक धसे हुए हो, लेकिन यार किसी को फैमिली पे थ्रेट कर रहे हो। फेम जितनी फैसिनेटिंग चीज है उतनी ही ज्यादा कुत्ती चीज है। फेम को मेंटेन रखने के लिए खुद को डिफेम होने से बचाने के चक्कर में ये बंदा क्रिमिनल मेंटेलिटी डेवलप करता जा रहा है, उसको पता तक नहीं चल रहा। ब्रो यू नीड टू सी अ डॉक्टर, बिकॉज दिस इज द फारदेस्ट, द चीपेस्ट, द वर्स्ट यू कुड गो। चलो ये तो होगी तमाशे की बात, जिसकी वजह से आप लोग
ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन रोको, अब असल नुकसान होता किसका है ये सुन लो। कुछ महीने पहले जब मैं दुबई गया तो मुझे एक बच्चा, एक टीनेजर, एक ब्लॉगर मिला और उसने मुझे कहा कि समू भाई मुझे इजाजत दे कि मैं आपके गरेबान को पकड़ू एंड आई विल एक्ट एज ए फन पंचिंग, ऐसे वाली फोटो मैं अपने थंबनेल पे रखूंगा और टाइटल डालूंगा कि आई गॉट इनटू अ फाइट विद ऑसमो और फिर बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे। मैं कहा क्या बात कर रहे, दिस इज व्हाट अपकमिंग यूट्यूबर्स आर थिंकिंग कि अगर ड्रामा होगा, कंट्रोवर्सी होगी, फड्डा होगा तो व्यूज आएंगे, सो दे आर गोइंग फॉर द शॉर्टकट। हालांकि कामयाबी के सफर में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। 5,000 वाले छोटे छोटे यूट्यूबर्स एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, फड्डे कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जाओ गली में जाओ दूसरे के सर फाड़ो, पहनो यूट्यूब है इधर वीडियो बनाओ। बड़े इन्फ्लुएंसर्स की वॉर की वजह से इनका थिंकिंग पैटर्न ही बदल गया है, प्लस दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी फॉलोज यू। एक वीडियो शाम पे बनाई थी और आज तक कुछ लोग मिलते हैं और वो कहते हैं आपने शाम की सही बजाई यार, दिस इज नॉट माई मास्टर पीस। मेरे चैनल पे और भी अच्छी वीडियोज हैं, जितनी बड़ी फॉलोइंग है दिल भी उतना बड़ा होना चाहिए। अगर एक दफा वो डक्की की वीडियो शाम बर्दाश्त कर लेता तो आज उसके अंदर ये घुसा हुआ सरिया उसकी सांस रोक के ना बैठा होता। लास्ट ईयर शाम ने मुझ पे तोहमत लगाई कि मैं उसके खिलाफ इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैंने उसको बोला था कि शाम भाई मुझे कनाडा का वीजा दिलवा दे। खुजली आई मीन जलन तो हो रही होगी ना। उस वक्त ये बंदा जब मुझे मिला था तो मुझे कहता है शाम भाई कैनेडियन वीजा दिला दो यार, मैंने फैक्ट्री खोली हुई है। जब इवेंट पे पहली दफा मैं इस गरीबों का ऋतिक रोशन से मिला था उस दौर में मेरा पासपोर्ट तक नहीं बना था, मेरे पास सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर्स थे एंड आई वाज सो ब्रोक दैट आई कुडंट अफोर्ड अ सैंडविच, मैं टिकट कहां से अफोर्ड करता, ये सब झूठ था। लेकिन उस पे मैंने कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई बल्कि स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे और उस चीज को फारिग कर दिया, बिकॉज दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी फॉलोज यू। पहली दफा मैंने वीडियो बनाई है ये रोस्टिंग वाली और जिंदगी में नेगेटिविटी चल रही है, वीडियो कोई चौथे नंबर ट्रेंडिंग पे जा रही है लेकिन मुझे सुकून नहीं है यार, ये नेगेटिविटी मैं खत्म कर रही है यार, अब इसके बाद मैंने इस पे बात ही नहीं करी। आई नो डक्की भाई पर्सनली उसको फटे-वटे करने का कोई शौक नहीं, लेकिन दैट गाय इज पुश्ड टू हिज फ्रीकिंग लिमिट्स, मतलब उंगली पे रेगमाल पेपर लगा के डक्की भाई की टोई की मोरी पे खुरखुर की जा रही है। मैं अब कह ही नहीं सकता कि आपस में सुलह कर लो, काश मैं कह सकता, बट शाम भाई यू वेंट टू फार, यू शुड हैव सीन इट कमिंग मैन। मतलब क्या आप तेरी बुंड है, रन्ना भी भाई, रिली भी भाई, दिस शुड बी कंट्रोल हियर, नाउ इज द टाइम आई वुड सजेस्ट के यार आपस में खत्म करो, लेट्स जस्ट एंड इट। मतलब कुछ लोग बहुत आगे चले गए, इतना भी नहीं करना चाहिए, बट यार देखो मसला कितना भी पेचीदा हो इट कैन बी सॉर्टेड आउट विद टॉक्स, इससे पहले कुछ जान ही नुकसान हो लेट्स एंड। अबे तो लगभग शमो भाई का वही ओपिनियन है इस पूरे कंट्रोवर्सी पे जो मेरा था, वो ये भी यही बोल रहे हैं कि यार बहुत दूर चले गए हैं सामडिस, इतना लो भी नहीं गिरना चाहिए था, और मैंने भी यही बोला था कि यार जो ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए वो ट्रिक्स कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये वाला जो केस है हर जगह नहीं चलता और ख़ासकर सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप पता है सबको कि अगर एक जगह आप कवर करोगे किसी चीज़ को तो यार 20 ट्रॉल और आ जाएंगे आपको, आपकी मतलब जो भी BUND जो बोल रहे थे वहाँ वही सब करने के लिए, तो ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्सी करके अगर आप व्यूज़ लाने की कोशिश कर रहे हो या फिर हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हो कि चलो यार पाकिस्तान में आए हैं कुछ तो कंट्रोवर्सी हो, कुछ तो हाइप हो, अगर इस वजह से कर रहे हैं तो यार इससे ज़्यादा लो कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से शाम इंट्रीज ने दो ऑप्शंस सोचे होंगे, एक कि डक्की भाई को चलो अप्रोच करते हैं, डक्की भाई मान गया तो दोस्ती हो जाएगी, अगर डक्की भाई नहीं माना तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी और व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं इंटरनेट पे जो जानते हैं डक्की भाई को वो सारे के सारे डक्की भाई के साथ नहीं होंगे, ये सबको पता है, जो डक्की भाई के अगेंस्ट में होंगे वो स्वामी ड्रीस को सपोर्ट कर रहे होंगे, और जो नए लोग होंगे जो डक्की भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे वो स्वामी ड्रीस के साइड जाएंगे, तो यहाँ पे भी तो उनका फ़ायदा है ना, जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उतने लोग तो स्वामी ड्रीस को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक फ़ायदा है, तो दोनों हाथों में लड्डू सोच रहे थे स्वामी ड्रीस की है, अगर ये बात सच है जो मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ही गलत सोच रहे थे, क्योंकि दोनों हाथ में मतलब कुछ और ही है उनके। मैंने डक्की भाई वाले वीडियो में एक बात बोली थी कि स्वामी ड्रीस इज़ द राखी सावंत ऑफ पाकिस्तान, इनको कंट्रोवर्सी में रहने का इतना ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा शौक है, मतलब इतना ज़्यादा शौक है कि बस क्या बताऊँ, मतलब कुछ ना कुछ इनके साथ होता ही रहता है, मतलब कोई ना कोई कांड ये कर ही देते हैं, या तो इंडियन या तो पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ या फिर
कनाडा के लोकल यूट्यूबर्स के साथ, एक उनका फ्रेंड करके था वो उनको एक्सपोज कर रहा था कि पैसे लिए हैं पैसे दे नहीं रहे हैं, कोई बंदा उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनके प्रैंक्स जो है वो गलत हैं, मतलब वो फिक्स होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, तो उनको कंट्रोवर्सी में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी में आए तो उनका उनके व्यूज़ कम हो गए या उनके सब्सक्राइबर्स का जो ग्रोथ है वो कम हो गया, वो बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से उनका ये एक तरीका है कि बस ऐसे ही व्यूज़ बढ़ाते जाओ, जैसे व्यूज़ आ रहे हैं जिस तरीके से बस लेते जाओ। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी पे? आप सामी रीच के साथ हैं, आप डक्की भाई के साथ हैं, क्या डक्की भाई के बिना परमिशन के सामग्रीज को ये अपलोड करना चाहिए था, उनका वॉइस नोट जो उन्होंने बात की थी सामग्रीज से? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बस यार आज के लिए इतना ही, रिएक्शन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करना भूले, एम करते कम से कम 1000 लाइक्स की। अगर आपने मुझे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर ले, पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो फिर खुश रहें, आप बात रहें, दिल्ली रहें, जय इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।